हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई एम साक्षी वर्मा। मेरी एक और वीडियो लेके मैं यहाँ आप सबको परेशान करने आ चुकी हूँ। हम में से कई लोग जानते होंगे इस प्यारे से एक प्लांट के बारे में, और इसके फ्लावरिंग आप देख पा रहे हो कितनी वाइट फ्लावरिंग ये कर रहा है। काफ़ी अच्छे से इसकी फ्लावरिंग जो है निकल कर आई है। इस प्लांट को काफ़ी लोग अच्छे से जानते होंगे, बट सिर्फ वो जो गार्डन लवर हैं, जिनका नर्सरी से पाला पड़ता रहता होगा, लाइक हर 6 महीने या हर 4 महीने विद सीजन्स। बट मैं आप सबको बता दूं कि ये कोई सीजनल प्लांट नहीं है। आज की डेट है 27 अक्टूबर, और मैं अभी सुबह सुबह ये वीडियो शूट कर रही हूँ ठंडे ठंडे मौसम में। इसको आप देख सकते हो यार, मेरा हाथ का साइज देखो एंड इस फ्लावर को देखो। ये आप ऐसे नापो, दिस पूरा मेरा हाथ कवर कर रहा है, इवन बच रहा है। ठीक है, ये इसका एक नॉर्मल साइज का गुच्छा है, गुच्छा बोलते हैं। ये देखो आप कितना बड़ा है यार, मेरा हाथ छोटा बढ़ रहा है। इसको कवर नहीं कर पा रही हूँ मैं, आप देख पा रहे हो, इसको मैं नहीं कवर कर पा रही हूँ। ये काफ़ी वाइल्ड है, आप देख पा रहे हो। इवन मैं आप सबको एक बात बता दूँ, ये प्लांट अपना कलर भी चेंज करता है। जैसे कि अभी मैं दिखाती हूँ, ये प्लांट अभी खिल रहा है। जब इसके फ्लावर्स हैं जो पहले दिन के होते हैं वो कुछ इस कलर में होते हैं, सेकेंड डे इन फ्लावर्स का कलर ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है, एंड थर्ड फोर्थ डे में ये अपना प्रॉपर कलर जो है चेंज कर लेता है, रेड कलर में आ जाता है। इस प्लांट को हम एक्सोरा बोलते हैं। इसकी काफ़ी वेराइटीज मार्केट में मिलती हैं, और ये एक्सोरा की ड्वार्फ वेराइटी है। मेरे पास ड्वार्फ का मीनिंग होता है जो आपके पास 2.5, 3 या 4 फीट से ज़्यादा इसकी हाइट नहीं जाती है। एंड जो नॉर्मल एक्सोराज होते हैं वो बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, बहुत लंबे। उनके केयर आप नहीं कर सकते हो घर पे, उनको आप गार्डन में लगाओ, बट आपको उनके गार्डन में भी केयर करनी पड़ती है। एंड ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है, वी कॉल इट ऑर्नामेंटल प्लांट। आप पहले तो आपको इसके गुच्छे गिनवाती हूँ। अच्छा, मैं इसको दिखाती हूँ कि ये एक कोई कली नहीं होती है। इसको आप देखो यहाँ पे 3, ये देखो एक में 3 निकले, फिर वहां से 1 में 3 निकले। ये चेन बनाता है पहले अपने, उसके बाद इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। और ऐसा नहीं है कि ये सारे फ्लावर्स आज ही खिले हों। मैंने इससे कुछ टाइम पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी ये सारे, आई गेस उसमें से ये वाला गुच्छा उस टाइम पे था। वो वीडियो शॉर्ट्स वीडियो था, उसमें एक गुच्छा था और एक गुच्छा और था, ये वाला, ये गुच्छा था उस टाइम पे। और बाकी सब का मैं वेट कर रही थी कि पूरी तरह से खिल जाए, क्योंकि इनमें से कुछ कुछ खिल रहा था थोड़ा थोड़ा टाइप में। बट ये अब काफी अच्छे से फ्लावरिंग कर चुका है, एंड ये इसका लास्ट फ्लावरिंग पीरियड है इस सीजन का। उसके बाद ये अपने फ्लावर्स को ड्रॉप आउट कर देगा, अपनी इवन लीव्स को ड्रॉप आउट कर देगा, और कुछ टाइम के बाद ये डोरमेंसी में चला जाएगा। और डोरमेंसी में जाने के बाद ये अपना जो फेब्रवरी मार्च की जो रेनी सीजन आता है उस टाइम पे ग्रोथ अपने स्टार्ट करेगा। वो इसका काफ़ी अच्छा ब्लूमिंग पीरियड होता है। एंड मैं आपको बता दूं, जब मैं इस प्लांट को लेकर आई थी तब ये काफ़ी छोटा नहीं था, इसके अंदर ये 2 स्टैंड्स थे, ये वाले 2 स्टैंड्स थे उसके टाइम पे, और ये काफ़ी अच्छे से लंबी लंबी थी। मैंने इसकी कटिंग की है, प्रॉपर कटिंग की, मैंने इसको इवन प्रोपगेट भी किया। वो प्रोपगेट भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। वो प्रोपगेट मैंने अपने फैमिली मेम्बर को गिफ्ट किया था, अपनी ताई को, आई गेस ताई या चाची को, उनके पास है वो प्लांट। बट उसकी फ्लावरिंग अभी इतनी हैवी नहीं हुई है, उसके अंदर 3 या 4 गुच्छे थे। ये प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, इसमें एक ही बड़े गुच्छे में फ्लावरिंग हो रही है। एक प्लांट होता है उसमें कुछ इस साइज में गुच्छे आते हैं, लाइक इस साइज के गुच्छे, वो भी काफ़ी प्यारा लगता है। उसमें 3 से 4 कलर आपको मिलते हैं। इसके अंदर आपको वाइट, मरून, डार्क रेड, येलो, पीच, पिंक, इसमें भी आपको काफ़ी कलर्स मिल जाते हैं। बट आई लव दिस कलर, ये थोड़ा नारंगी शेड का कलर है। मुझे यही कलर काफ़ी बेस्ट लगा था जब मैंने इसको परचेज किया। वहाँ पे कुछ और भी कलर्स थे बट मुझे यही बेस्ट लगा। बट जिस टाइम मैंने इसको परचेज किया था उस टाइम इसमें सिर्फ लीव्स के अलावा कुछ नहीं था, ट्रस्ट मी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि किसी नर्सरी वाले ने मुझे बोला इसमें ये कलर निकलेगा, एंड एग्जैक्टली यही कलर निकला।
टाइम टू टाइम आपको इनकी केयर अच्छे से करनी पड़ती है। कुछ लोग होते हैं लाइक प्लांट्स को लगा लिया एंड भूल गए, भाई नहीं मर जाएगा बेचारा, सिर्फ पानी की जरूरत नहीं होती प्लांट्स को, प्यार की केयर की, इनको खाद चाहिए होती है, इनको प्यार चाहिए होता है, इनको टाइम टू टाइम केयर चाहिए होती है। इनमें कभी वाटरिंग ये नहीं कि आपने बस पाइप पकड़ा पॉट में डाल दिया, नो बेबी नो, इनको प्रॉपर मिस्टिंग करनी पड़ती है लाइक दिस। इनको इस टाइप में पूरा मिस्टिंग पसंद है, आप इनकी मिस्टिंग कीजिए, इनको अच्छे से ड्रेन, जैसे बारिश आती है इस टाइप से आप पानी लेके इनके ऊपर पूरा अच्छे से स्प्रिंकल कीजिए, ताकि ये अपनी लीव्स के ऊपर से जो भी डर्ट होता है आप देखिए इसमें अंदर कुछ भी नहीं है, नो डर्ट एट ऑल, कोई डर्ट नहीं है ये, ताकि इनकी लीव्स अच्छे से सर्वाइव कर सके, अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर सके, हमें ऑक्सीजन दे सके। प्लांट्स की केयर बिल्कुल ऐसे की जाती है जैसे एक छोटे बच्चे की, बट डरने की बात नहीं है, जो केयर बच्चे को डेली चाहिए होती है वही केयर प्लांट्स को महीने में एक या दो बार चाहिए होती है। अभी देखो जाते जाते भी ये प्लांट यहाँ से नया शूट अपना स्टार्ट कर रहा है, और यहाँ से भी सेम दो चार लीव्स निकलेंगी, उसके बाद कुछ इस तरह से गुच्छा बनना स्टार्ट होगा, छोटा 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 करके इस तरह से, और फिर ये बड़ा हो जाएगा। इवन अभी ये वाले जो छोटे गुच्छे हैं ये भी काफी बड़ा रूप ले सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक दो और तीन है, ये अभी पूरी तरह से खिले भी नहीं और बड़े भी नहीं हुए, ये भी पूरा साइज बड़ा होगा। इवन जो अभी छोटे गुच्छे देख रहे हैं सारे ही अभी बड़े होंगे, ये सबसे पुराना गुच्छा है मेरे पास और सबसे बड़ा वाला भी। अभी मैं आपको काउंटिंग कराती हूँ एक ही प्लांट के अंदर कितने सारे गुच्छे हैं आज तक की मेरी, लाइक इस प्लांट को हुआ है कितना टाइम है यार, 8 महीने हुए इसको भी मेरे पास, और उसके बाद मैंने इसकी इतनी अच्छे से ग्रोथ निकाली है। यार माले के ऊपर नहीं होता, आपके खुद के ऊपर होते हैं कि आपको अपने प्लांट की केयर किस हिसाब से करनी है। माली आएगा खाद डालेगा दवाई डालेगा चला जाएगा, बट एक टाइम के बाद माली की खाद दवाई से ही प्लांट खराब हो जाते हैं भाई। एक दो तीन चार पाँच छ सात एक आठ और एक यहाँ पे आए, ये देखो ये छोटा नो गुच्छे हैं इसमें। अभी मैंने दो दिन पहले 8 गिने थे, नौवां अभी बेचारा शुरू हुआ है, मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये हाँ इसकी नई स्ट्रैंड शुरू हुई है, अगर मैंने इसको यहाँ पे प्रोपगेट के लिए कटिंग हाँ यहीं से मैंने की थी, ये आप शूट देख रहे हो ये काफी लंबी शूट थी इस टाइम पे, मैंने इसको यहीं से कट किया था, और आप ये देखो यहाँ से ये दोबारा रीग्रोथ हो गई है इसके शुरू, और जो मैंने प्रोपगेट किया था वो भी काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है, उसमें भी दो गुच्छे आ चुके हैं। इट मीन्स कि अभी ये प्लांट अपनी लीव्स को ड्रॉप आउट करेगा एंड उसके बाद ये नया सीजन लेकर आएगा, और इसको फर्टिलाइजर की कोई खास नीड नहीं होती। आप इतने से उसमें हिस्से में सरसों की खली लो, उसको जस्ट पानी में डालो, एक रात छोड़ो, उस पानी को डाइल्यूट करके इसके अंदर 3 से 4 दिन आप रेगुलर दे सकते हो, उसी में आपको ये वाली प्यारी सी ग्रोथ आपको नजर आएगी। सो थैंक यू। और मेरे पास यहाँ काफी अच्छे से और ऑर्नामेंटल प्लांट्स की कलेक्शन है, इंडोर आउटडोर, आपको जिस भी प्लांट के बारे में मुझसे जानना है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।